अब ये शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो गया है। हमारे पैर, हाथ सब शांत हो गए हैं। और अभी हमारा फोकस प्रकृति के बीच में है। जहां मैं एक चमकती हुई ज्योति बिंदु हूं। इस ज्योति बिंदु को देखते हुए धीरे से ये चिंतन कीजिए कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूं। मैं एक मास्टर हूं, न कि सिर्फ यह शरीर की, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार की। मैं एक ज्योति बिंदु हूं। मैं एनर्जी हूं। मेरी सोच और भावनाएं मेरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं।
मेरे वाइब्रेशंस का असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प पॉजिटिव है। मैं शांत हूँ। मैं स्थिर हूँ। शांति की वाइब्रेशंस मेरे शरीर को रिलैक्स कर रही है।
मेरा शरीर एकदम कंफर्टेबल है। और अब मैं इस रूम से ऊपर जा रही हूं चांद सितारों से भी ऊपर अपने घर शांति धाम में जा रही हूं। इस दुनिया में लाल रंग की लाइट फैली हुई है। दूर दूर तक ऐसा अनुभव होता है कि मैं अपने घर आ गई हूं। और एकदम शांति का अनुभव कर रही हूं। मेरे जैसे बहुत सारी आत्माएं हैं। शांति से बैठी हुई लेकिन मेरा अटेंशन आगे की तरफ एक अजब सा सितारे पर पड़ रहा है। और धीरे से जैसे कि वो मुझे अपने तरफ खींच रहा है। ये है मेरे पापा, मीठे से पापा, प्यारे से पापा।
उनके प्यार के वाइब्रेशंस में मैं खो गई हूं। कुछ भी बाहर का याद नहीं आता है। सब इच्छाएं फिनिश्ड हो गई है और संतुष्टता का अनुभव हो रहा है। ये प्यार इतना गहरा है, कि जो भी पास्ट में जो हुआ वो सब धीरे धीरे मिट रहा है। सिर्फ मैं और मेरा बाबा दूसरा कोई अंदर आ ही नहीं सकता। इतना गहरा प्यार है। इस प्यार के साथ बाबा मुझे शक्तियां से भर रहे हैं। मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान
बना रहे हैं। ये शक्तियां इतनी पावरफुल है कि मेरे संस्कार को परिवर्तन कर रही है। इस जन्म के जो भी पाप सिर पर है और पास्ट के जो भी जन्म के पाप जो है, वे सब अब विनाश हो रहे हैं। जैसे जैसे ये पाप जल रहे हैं, वैसे एकदम हल्का सपन का अनुभव हो रहा है। मन और बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर बनती जा रही है।
बाबा के नजदीक आ रहे हैं और सब प्रकार के रिलेशनशिप्स का अनुभव भी कर रहे हैं। एक एक संबंध का अनुभव कितना अनोखा है। चाहे वो माता का हो या पिता का हो, सखा का हो, टीचर का हो, गुरु का हो, साथी का हो, या फिर दादा का हो, अपनापन का फीलिंग आता है। थोड़ा समय हम इस अनुभव में खो जाएं। इस गहरे प्यार के सागर में और शक्तिमान बाबा के और शक्तियां बढ़ते जाएं। क्योंकि ये प्यार और शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलो इस गहरे अनुभव में हम सब खो जाएं।
Abhi. हम सूक्ष्म वतन में चलते हैं, जैसे ही हम सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करते हैं। और जब सामने देखते हैं तो बाप दादा नजर आते हैं फरिश्ता स्वरूप में। उनकी आंखों में देखते हैं तो जैसे अपने आप हम उनके नजदीक आ जाते हैं। मीठी मीठी दृष्टि का लेन देन करते हैं। ये दृष्टि इतनी पावरफुल है जो
सब कुछ भुला देती है। हमको मुक्त कर देती है। बाप दादा हमको वरदान दे रहे हैं, जो भी वरदान चाहिए वो तुरंत दे देते हैं। जब चाहे तब ये वरदान याद करते, हमको ऐसा अनुभव होगा जैसे बाबा ने अभी ही दिया है और सब ठीक हो जाता है। बस इस वरदान को हमेशा स्मृति में रखना है। अभी जो प्यार और शक्तियां बाबा से ली है वो हम सारे विश्व में फैलाएंगे। तो बाप दादा के साथ चलते हैं। और एकदम एज पे खड़े हो जाते हैं इस धरती के। बाबा के वाइब्रेशंस जो प्यार भरे हुए हैं, शक्तियां से भरे हुए हैं, हमारे ऊपर आ रहे हैं। और हमसे ये वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में जा रहे हैं। एक एक आत्मा के ऊपर ये वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं।
सब आत्माएं प्यार का अनुभव कर रही है और शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। जो भी परिस्थिति आने वाली है या आई हुई है, इन आत्माओं को सामना करने की शक्ति है। हल्केपन का अनुभव भी कर रही है। भगवान का भी अनुभव जल्दी से जल्दी कर लेंगे। अभी हम प्रकृति को भी प्यार का वाइब्रेशन पहुंचाएं और शक्तियों का भी। प्रकृति भी कितनी हलचल में आती है, तो उनको भी हम शांत कर सकते हैं। तो चलो कुछ समय पूरी दुनिया, आत्मा और प्रकृति दोनों को ये वाइब्रेशंस पहुंचाए। Thank you.
अभी हम अपने शरीर में आते हैं। इस शरीर को भी प्यार के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस देने हैं। एक एक अंग को ये वाइब्रेशंस जा रहे हैं। बॉडी के जो भी सेल्स हैं, वो ये वाइब्रेशंस अनुभव कर रहे हैं। और जैसे कि वो एक्टिवेट हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं, ये जो अनुभव हमने किया है वो हम स्मृति में रखेंगे आज सोने तक। सभी